हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। बीएड के बारे में, बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में जब भी कोई खबर आती है तो हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं। आज ये मामला जो है एनआईओएस डीएलएड का है। एनआईओएस डीएलएड का मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में है और उसकी सुनवाई होनी है, और काफी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है। क्या है मामला, कब है सुनवाई और कितना आइटम नंबर है, और इसमें अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं, रिस्पॉन्स क्या आने के जो है चांसेस है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई भी लाइव अपडेट आएगा वो भी आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन एंड नोट्स, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है सुप्रीम कोर्ट का साइट, डीएलएड एनआईओएस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोरा। ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुनवाई जो है इसकी आज होने वाली है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें और भी चीजें अगर मैं बताऊं तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जो जस्टिस है जस्टिस बी आर गवाई एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं। और जो चीजें अभी तक चल रही हैं, जैसे कि हम अगर बात करें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, तो पटना हाई कोर्ट ने सबसे पहले जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसकी में दिखाया था और उसको मान्यता दे दी थी 6 फेज वाले टीचिंग वैकेंसी में। इसी तरह से बाकी सारे स्टेट में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन कुछ स्टेट जो है इसको मान्यता नहीं भी दे रहे थे, और जिसकी वजह से ये मामला अब पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो भी चीजें चल रही हैं उसके अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे कि कुछ स्टेट ने सपोर्ट भी किया है, और जाहिर सी बात है कि ये सरकार के द्वारा ही करवाया जा रहा है, तो फिर इसको मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है पीआरटी में। जो भी एनआईओ से डीएलएड करते हैं उन बच्चों को जो है पीआरटी में क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इस पे भी जो है चीजें हो रही हैं। और आज ऐसा माना जा रहा है कि आज की सुनवाई सबसे लंबी सुनवाई होने वाली है इसमें, और सभी बातों को क्लियर करके जो है आज हो सकता है कि डिसीजन एक दे दिया जाए फाइनल, और अब ज्यादा इस बात को जो है घुमाया ना जाए। यहां पर आप लोगों को स्टार्टिंग में भी देख रहे हो, इसको अब प्रायोरिटी के तौर पे जो है इस केस को देखा जा रहा है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये काफी टाइम से और बहुत सारी चीजें जो है इसमें अब क्लियर हो चुकी हैं। कुछ पॉइंट्स और क्लियर होना है, जो कि ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि आज की सुनवाई में क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स का ही उम्मीद जो है बच्चे कर रहे हैं, और जिस तरह से सारी चीजें अभी तक सुनवाई होते आ रही है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो यही 31 अक्टूबर को भी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था। आज ये सुनवाई प्रायोरिटी के तौर पे रखी जा रही है और इसमें आएगी, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या पीआरटी में एनआईएस डीएलएड वाले को भी शामिल किया जाएगा या नहीं, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स पर जो है कोर्ट में डिस्कस हुआ, जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। टिल देन, टेक केयर।